स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जिला चंबा द्वारा आज चंबा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभागार में कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम पर एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सा अधिकारी, हेल्थ वर्कर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों, आशा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जिसकी अध्यक्षता जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम सिंह भारद्वाज ने की। इस जागरूकता कार्यक्रम में जिला चंबा के सभी स्वास्थ्य खंडों के लगभग 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस मौके पर जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर हरित पुरी ने उपस्थित प्रतिभागियों को बताया कि कुष्ठ रोग एक धीमी गति से फैलने वाली संक्रामक बीमारी है। इस दौरान इस रोग बारे जागरूक किया गया। आज यहाँ पर सीएमओ ऑफिस के कार्यालय में जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहाँ पर लेप्रोसी, जिसे कुष्ठ रोग हम हिंदी में कहते हैं, उसका एक प्रशिक्षण जो है वो आज करवाया जा रहा है, जिसमें जो ब्लॉक के जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, सीएचओज हैं, एमपीडब्ल्यू हैं और आशाज हैं, वो आज इस पर भाग ले रहे हैं और कुष्ठ रोग के प्रति जो है इन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसे कि कुष्ठ रोग जो होता है उसके जो मुख्य लक्षण होते हैं, जिसमें कोई जैसे सफ़ेद रंग के कोई दाग धब्बे या लाल रंग के दाग धब्बे, और उसके साथ साथ जो है किसी प्रकार की सेंसरी लॉस हो जाना, जैसे स्किन में जो है सुनपन रहना, या कोई डिफॉर्मिटी या कोई नर्व का लॉस होना, तो ये इसके कुछ मुख्य लक्षण रहते हैं कुष्ठ रोग के। और कुष्ठ रोग का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब जो इसके जो जैसे कोई व्यक्ति अगर कहीं पे संक्रमित हो जाता है तो इसके जो लक्षण है वो भी थोड़ा सा देरी से आते हैं। और मुख्य तौर पर जो कुष्ठ रोग है ये जो है एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये खांसने छींकने या जो व्यक्ति कुष्ठ रोगी है उसके संपर्क में आने से जो है ये कुष्ठ रोग फैलता है। अभी जिला चंबा में भी जो है 13 लोग जो हैं वो कुष्ठ रोगी उपचाराधीन हैं, जिसमें 9 नए रोगी हैं और 4 रोगी जो हैं वो पहले से जो है उपचार उनका चला हुआ है। कुष्ठ रोग की जो दवाइयां हैं, इसमें हम MDT का मल्टी ड्रग थेरेपी, जिसे कहते हैं ट्रीटमेंट, उसका उपयोग करते हैं और इसका इलाज जो है वो पूर्णतः जो है वो संभव है। और 6 महीने से 1 साल का जो ट्रीटमेंट है लेकर रोगी जो है पूर्णतः ठीक हो जाता है। तो आज भी इसी के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें स्किन डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर अमर उपस्थित हैं, जो कि प्रतिभागियों को जो है लेप्रोसी के बारे में जो है वो प्रशिक्षण दे रहे हैं। और इन प्रतिभागियों से आगे भी हम जो है यही उम्मीद करते हैं ये कि फर्दर जो है अपनी जो है गांव स्तर पर जो है कुष्ठ रोग के प्रति जो है वो जागरूकता फैलाएं और इसकी रोकथाम के प्रति लोगों को जागरूक करें।